Hey guys, welcome to the another session, and today we will discuss about the topic Asav and Arisht. And guys, I have brought this video in both the languages, English and Hindi, so please watch this video till the end. So let's start. So guys, first I will explain in Hindi and after that I will explain in English. So what is Asav? Asav kya hai? एक मिट्टी के नए घड़े में अभी हम आसव का जो है पूरा प्रोसीजर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. तो एक मिट्टी के नए घड़े में अपक्व जल को रखकर गुड़ शर्करा मधु एवं अन्य सुगंधित काष्ठ औषधियों के यवकूट चूर्ण मिलाकर यथोचित मात्रा में धात की पुष्पादि एवं किण्वादि मिलाकर घड़े का मुख ढककर 15 से 25 दिनों तक समशीतोष्ण गृह में स्थिर से रख देते हैं. पुनः संधानोपरांत छान कर जो मध्य मिश्रित तरल पदार्थ प्राप्त किया जाए उसे आसव कहते हैं. आसव आर आयुर्वेदिक मेडिसिंस विच आर प्रिपेयर्ड विद नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस यूजिंग हर्ब्स वाटर एंड शुगर. ऑलमोस्ट ऑल आसव आर मेडिसिंस Do not include preparation of decoctions, but it has a very few exceptions. Now the question arises that what is decoction? Now decoction is a method of extraction by boiling herbal or plant material to dissolve the chemicals. Okay, whenever we are dissolving the chemicals, just like kadha, we can say it kadha. So this procedure is called as decoction. Which may include like we can take stems, roots, bark or rhizomes also. So this procedure is called decoction. Okay. And we have to also remember that it has a very few exceptions also. Okay. Now the second point is what is Arisht? Arisht kya hai? Kaushthashadhiyon. को अब ये काष्ठ औषधियाँ क्या हैं? तो ये क्या हैं? ये हैं फूल फल त्वक कांड हो जाएगा और मूल आदि. इनको क्या करना है? यवकूट करना है. यवकूट करने के बाद इनको चूर्ण के फॉर्म में यानी पाउडर्ड फॉर्म में हमें कर लेना है. तो काष्ठ औषधियों को यवकूट चूर्णोपरांत क्वाथ करें और उसके बाद उसे पकाकर उक्त क्वाथ को मिट्टी के नए घड़े में रखकर पूर्ववत निर्दिष्ट मात्रा में गुड़ मधु शर्करा मिलाकर पुनः उसमें कुछ सुगंधित एवं कटुरस युक्त काष्ठ औषधों त्रिकटु चातुर्जातक त्रिमद धातकी पुष्पादि इनके यवकूट चूर्ण को मिलाकर घड़े का मुख बंद कर समशीतोष्ण स्थान पर 15 से 25 दिनों तक स्थिर से रखें. संधानोपरांत कपड़ा से छानकर अन्य पात्र में रखें. इस मध्ययुक्त द्रव को अरिष्ट कहते हैं. तो एक तरह से अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो आसव और अरिष्ट दोनों ही जो है वो आयुर्वेदिक दवा निर्मित करने की जो है वो क्या है? प्रोसीजर है, कल्पना है, जो द्रव रूप में विभिन्न रोगों में अलग अलग आसव एवं अरिष्ट का सेवन जो होता है वो आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा करवाया जाता है. तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो ये क्या है? यह एक प्रकार की दवा निर्मित करने की कल्पना है. और अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, आसान भाषा में इसके निर्माण प्रक्रिया यानी इसके प्रोसीजर को समझें, तो जो आसव और अरिष्ट का निर्माण संधान प्रक्रिया से आशय क्या है यानी मीनिंग क्या है कि औषधि द्रव्य तथा द्रव को आपस में मिलाकर निश्चित समय के लिए एक फिक्स्ड टाइमिंग के लिए निश्चित तापमान पर रखकर औषधि के औषधीय गुणों को रोग के लिए उपयोग में लाया जाता है. ठीक है. ओके सो अब इंग्लिश में देखते हैं. अरिष्ट आर टाइप ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिंस विच आर प्रिपेयर्ड विद नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस यूजिंग हर्बल डिकॉक्शंस. ओके एंड देयर आर धातकी फ्लावर्स एंड शुगर. अरिष्ट मीन्स टू हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ. नाउ यू कैन सी दैट वॉट इज द मेन डिफरेंस. यू गाइज कैन सी दैट वॉट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आसव एंड अरिष्ट. In asav and arisht is involvement of the heat.
ओके हीट जनरली आसर फॉर्मुलेशंस आर प्रिपेयर्ड मेकिंग डिकॉक्शंस वी हैव सीन इन द डेफिनेशन एंड इट इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस. ओके एंड आसव एंड अरिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट थेरापेटिक फॉर्म्स ऑफ आयुर्वेदा. दे कंटेन नेचुरली जनरेटेड एल्कोहल. दीज एल्कोहल एक्ट्स एज द मीडियम फॉर एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स ऑफ द हर्ब्स टू डिजॉल्व इट. सो इन जनरल ऑल आसव एंड अरिस्ट हैव 5-10% ऑफ एल्कोहल. ओके सो अब हम हिंदी में देखते हैं आसव और अरिस्ट में मुख्य अंतर क्या है. तो आसव में जो है वो हम अग्नि संस्कार जो होता है वो नहीं किया जाता है और जो अरिष्ट में अग्नि संस्कार जो होता है वो किया जाता है. तो अग्नि संस्कार करने से ही जो मेन डिफरेंस होता है वो आ जाता है. वो कैसे आ जाता है देखिए, आसव में जब हम अग्नि संस्कार करते हैं तो इनमें शीतलता का गुण आ जाता है और शीतलता का गुण आते ही गुण भी आ जाता है, साथ ही साथ ये गुरु होने हो जाते हैं. तो गुरु होने के कारण क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्लो हो जाता है, यानी कि देर से पचने लगता है हमारा खाना. और वही हम अरिष्ट में देखें तो इसमें जो अग्नि संस्कार होता है इसी के कारण इसमें उष्ण गुण होने लगता है और इसके कारण डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है, यानी खाना हमारा जल्दी पचता है. तो ये हो गया आसव और अरिष्ट में मुख्य अंतर. ठीक है, तो अब हम समझते हैं अरिष्ट का डेफिनेशन हिंदी में. तो अरिष्ट क्या है, देखिए काष्ठ औषधियों को यवकूट चूर्णोपरांत, सॉरी अरिष्ट तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. हाँ तो फ्रेंड्स अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ आसव क्या हैं. तो पहला है अहिफेन आसव, दूसरा है अंगूर आसव, तीसरा है बिल्वासव एंड फोर्थ वन इज तक्रासव. चौथा हो गया हमारा तक्रासव और नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ अरिष्ट. तो पहला हो गया अशोकारिष्ट, दूसरा हो गया दशमूलारिष्ट, तीसरा हो गया द्राक्षारिष्ट एंड द लास्ट वन जो हमारा आखिरी है वो है तक्रारिष्ट. ऐसे तो आसव और अरिष्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत सारे हैं, पर एग्ज़ाम में मोस्टली दो ही एग्ज़ाम्पल पूछता है, पर फिर भी मैंने आपको नोट्स में 4-4 लिखवा दिए हैं जिससे कि एक्स्ट्रा ही एग्ज़ाम्पल्स आपको याद रहें. तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आसव के गुण क्या हैं. आसव जो होता है वो देखिए मन व शरीर, अग्नि के बल को बढ़ाने वाला और अनिद्रा, शोक तथा अरुचि को नष्ट करने वाला और मन को प्रसन्न करने वाला होता है. और अब हम देखते हैं अगला जो कि है अरिष्ट के गुण. देखिए अनेक द्रव्यों के संयोग से तथा संस्कार होने के कारण अरिष्ट आसवापेक्षया यानी कि आसव के कंपैरिजन में अधिक गुण वाला होता है तथा अनेक रोगों और अनेक दोषों को नाश करता है. एग्जाम्पल्स में मतलब हम देखें कि किन किन डिजीज में ये काम में आता है, तो वो हैं अग्नि दीपक, कफवात नाशक होता है, पित्तरोधक, मृदु विरेचक, शूल, आधमान, उदर रोग, अजीर्ण और अर्श रोगों में हितकारी है. तो देखिए अरिष्ट में जो है वो काफ़ी गुण जो होते हैं वो आसव के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं. जैसे अनीमिया में भी अरिष्ट का यूज़ देखा गया है और फीवर, ज्वर आदि रोगों में भी हितकर है ऐसा देखा गया है. भोजन में भी ये क्या करता है, रुचि बढ़ाता है और कफज व्याधियों का नाश तो करता ही है और साथ ही साथ डाइजेशन के लिए भी जो अरिष्ट होता है वो बहुत यूज़फुल होता है. दीपन पाचन में भी यह काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है. ओके सो आसव और अरिष्ट के बारे में और बात हम अगर समझें तो जो आसव और अरिष्ट होते हैं वो विभिन्न यानी कई प्रकार के रोगों पर जल्दी कार्य करते हैं और शरीर को चुस्त और फुर्तीला बनाते हैं और ये कम मात्रा में अधिक असर दिखाते हैं और अधिक समय तक सुरक्षित भी रहते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक आसव और अरिष्ट कंप्लीट होता है और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनफैक्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी देखा गया है आसव और अरिष्ट.
पेपर में ये आ चुका है लास्ट ईयर में ही, तो इस टॉपिक को अच्छे से आप याद कर लें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आसव और अरिष्ट के या फिर किसी भी टॉपिक पे आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, ओके। एंड प्लीज़ सजेस्ट मी द नेक्स्ट टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन गाइस। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसे आप समझना चाहते हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। एंड गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।